हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीबीटी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी SSC पीईटी परीक्षा का आंसर की जब से आया है तब से आप लोगों में से कई कैंडिडेट का अक्सर कमेंट आता रहता है कि मेरा तो 40 नंबर है, मेरा तो 45 नंबर है, मेरा 50 नंबर है, क्या मेरा लेखपाल के लिए फॉर्म अप्लाई हो पाएगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, लेखपाल भर्ती के कट ऑफ को लेकर काफी ज्यादा अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली हुई है कि काफी हाई इसका कट ऑफ रहेगा। दोस्तों, तीन कंडीशन है। यदि तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आप पर अप्लाई होगा तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। लेखपाल पोस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। लेखपाल की भर्ती कब आएगी, इसका कब विज्ञापन जारी होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाएगी, इसके अलावा यूपी SSC पीईटी परीक्षा के तहत कौन कौन से अपकमिंग में भर्ती है, इसकी जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल एक दोस्तों खबर देखिए, तब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कट ऑफ के बारे में। नवंबर में हम लोग जो है, जो हमारा इस रिजल्ट आ जाएगा इसके आधार पे हम लोग जो लेखपाल के परीक्षा कराना चाह रहे हैं तो वो हम लोग जो है नवंबर में प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद जो है इसी के रिजल्ट के आधार पर हम लोग जो है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाले हैं और सामान्य योग्यता के लोग हैं, तो ये हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी है, हमारी वेबसाइट पर बच्चे उस पर चेक कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग नवंबर में प्लान कर रहे हैं। उसके बाद दिसंबर में एक हमारे पुराना एग्जाम पहले हमने लगाया था, फिर चूंकि कोरोना के कारण और कोविड के कारण काफी पिछला साल डेढ़ साल काफी डिस्टर्ब रहा, तो उसमें बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम थे जो पहले परीक्षाएं लगाई हुई थी वो हमें चेंज करनी पड़ी और कैंसिल करनी पड़ी। चलिए सर, मतलब आप नवंबर दिसंबर तक मुझे लगता है कि काफी लोगों को आप रोजगार वाला हम लोग दिसंबर में प्लान कर रहे हैं। इसी तरह वन रक्षक का ही पहले हम लोगों ने प्लान किया था मई में, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ा, इसको भी हम लोग दिसंबर में प्लान कर रहे हैं। बोरिंग टेक्नीशियन ये भी हमारा पहले से अनाउंस वाला है, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ा था, तो उसको हम लोग जनवरी में प्लान कर रहे हैं, और इसीलिए एक अवर अमंता वाला है वो जनवरी में वो भी प्लान कर रहे हैं। और उसके अलावा एक जो प्रारंभिकर्ता परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर ही एक जो है कृषि प्रावधिक गन्ना परिवेक्षक समान योग्यता वाले पद हैं, इनको फरवरी के लिए। सर, आप लोगों को तो ये समझ में आ गया है कि आपका कौन कौन से भर्ती आने वाली है यूपी SSC में। साथ के साथ दोस्तों, लेखपाल की भर्ती जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नवंबर मंथ में आ जाएगी आप लोगों की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे मेन कंफ्यूजन जो आप लोगों के साथ बना हुआ है कि यूपी SSC पीईटी परीक्षा में 40 से 50 नंबर है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे लेखपाल पदों के लिए कि नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे मेन टर्म, सबसे पहला टर्म आप लोग समझिए, आंसर की जो आई थी उसमें काफी लोग आपत्ति जताए हैं, और दोस्तों ये नंबर जब करेक्ट होगा तो भी आप लोगों का कुछ नंबर बढ़ सकता है। इसके अलावा आप लोग जानते हो नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर बढ़ जाते हैं, अक्सर तो 20 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फंडा है जो सिलेक्शन डिसाइड करता है। दोस्तों, यदि आपका नंबर 45 है, यदि आपका नंबर 50 है, यदि आप लोग 10 नंबर इसमें जोड़ोगे तो आप लोग देख सकते हो कितना नंबर हो जा रहा है, आपका 55 नंबर हो जाएगा, आपका दोस्तों 60 नंबर हो जाएगा। जैसा कि हमने आप सभी को बताया, 40 से 50 नंबर भी यदि आपका है यूपी SSC पीईटी परीक्षा में तो भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की उम्मीदें एकदम टूट चुकी है। दो रिजल्ट घोषित होते ही आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सितंबर के लास्ट तक यूपी SSC पीईटी का रिजल्ट भी आ जाएगा, आप लोगों को मालूम है। लेखपाल भर्ती दोस्तों बहुत ही फास्ट रहेगी, इसमें दोस्तों इलेक्शन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंप्लीट जल्द से जल्द होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों।